नाउ एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको अब एक्स की वैल्यू निकालना है। अगर फंक्शन एफ एक्स आपका कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपके पास जो गिवन फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। अब एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स पे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लेस देन 0 होता है, तब आपका फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ये कंडीशन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता होगी उसने याद रखना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब रहता है, जब उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ओके सिंगल डेरिवेटिव लेस देन क्या होता है, 0 होता है। हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। इसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो इस तरह से है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 6। ये आपके पास गिवन फंक्शन है, आपको x की वैल्यू निकालना है। ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिस पर आपका फंक्शन fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो fx इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, जैसा का वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, ठीक है। अब क्या होगा, ये f dash x हो जाएगा, बराबर है, f dash का डेरिवेटिव क्या होगा, f dash x, इसमें पावर आ गया है 3 2 जा 6, पावर से एक कम, 3 2 जा 6 पावर से कम, 2 3 जा 6 पावर से कम, 12x का डेरिवेटिव 12 होगा, x का 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन सब में से देखो आप लोग 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस x और माइनस कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। फिर माइनस 2 के आपको ऐसा फैक्टर गिराना है, माइनस 2 के आप लोगों को ऐसा फैक्टर गिराना है जिसका सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, दो में से एक का तो एक होता है, ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, इसका मतलब आप लोगों के क्या फैक्टर दिए गए, x माइनस 2 और x प्लस 1, ऐसे दो फैक्टर दिए गए। माइनस 2 कैसे फैक्टर गिराना है जिसका सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 के तो 1, ये माइनस है तो बड़े वाले को माइनस देना, छोटे वाले को प्लस देना। तो x माइनस 2 x प्लस 1 ये आपके f dash x के मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टर्म के फैक्टर मिल गए, ठीक है। तो x माइनस 2 x प्लस 1 फैक्टर मिल गए। अब आप लगाओगे कंडीशन कि f x कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। f x इज कौन सा फंक्शन है, इज डिक्रीजिंग फंक्शन है, f x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। f x कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। f x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये f x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, f dash x क्या रहेगा, लेस देन 0। f dash x लेस देन 0 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 6 x minus 2 x plus 1 ये लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि आपका डेरिवेटिव जो रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन है वो लेस देन 0 रहेगा, मतलब 6 x minus 2 x plus 1 लेस देन 0 रहेगा। ये जो 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट उधर जाएगा 0 की वैल्यू 0 होगा, दैट इज x minus 2 और x plus 1 लेस देन करेगा 0। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, बड़े वाले को ग्रेटर का सिंबल होता है और छोटे वाले को लेस का सिंबल होता है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या याद रखना है आप लोगों को कि माइनस दो और क्या बोला मैंने आप लोगों के पास, टू है, तो आपको क्या करना है, बड़े वाले को दो बड़ा की वन बड़ा तो दो बड़ा, तो बड़े वाले को लेस का सिंबल लगाना है डिक्रीजिंग, मतलब बड़े वाले को लेस का सिंबल x माइनस टू लेस देन जीरो लगाना है एंड x प्लस वन क्या लगाओगे, ग्रेटर देन जीरो, ओके, मतलब बड़ा वाला लेस देन का सिंबल और छोटे वाले को ग्रेटर का सिंबल, मतलब x क्या होगा लेस देन 2 हो जाएगा, ओके, एंड क्या हो जाएगा x प्लस x x ग्रेटर माइनस 1 हो जाएगा इस तरह से। अब बताओ आप लोग x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी है, इसका मतलब माइनस 1 छोटा है, दैट इज इसको ऐसा लिख सकते, दैट इज माइनस 1 छोटा है x से, x बड़ा है माइनस 1 से, इसका मतलब माइनस 1 छोटा है x से और x इससे छोटा है, तो इसे को डिक्रीजिंग। अरे बात समझ, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 2 और 1 है, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो बड़े वाले को लेस का सिंबल लगाना है, उसको उल्टा होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना पड़ा था मैंने, कि
बड़े को बड़े का सिंबल और छोटे को छोटे का सिंबल। लेकिन डिक्रीजिंग में आप लोगों को याद रखना है कि बड़े वाले को छोटे का सिंबल और छोटे वाले को बड़े का सिंबल, दो और बने, ये याद रहेगा आप लोगों को, अच्छे से याद तो रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं भी लिखोगे इस बात में लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो, fx is डिक्रीजिंग फंक्शन, fx कौन सा फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, इफ तब जब x ग्रेटर देन रहेगा -1 से एंड x लेस देन रहेगा 2 से, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, x बड़ा है -1 से, -1 क्या रहेगा, छोटा रहेगा x से, पर x छोटा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर देखो कि आपके पास फंक्शन fx दिया था, ये आपका फंक्शन fx है। ठीक है, अब ये fx कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो fx डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब f डैश x क्या होता है, लेस देन 0 होता है। पहले f डैश x निकालोगे, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने। ठीक है, एक मिनट रुकना, ओके, इंडेफिनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है कि हमको x की वैल्यू निकालना है। अगर ये आपके पास ये फंक्शन है fx x plus 25 by x square, ये हमारे पास फंक्शन दिया है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमको x की वैल्यू निकालना है कि x के कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन fx strictly डिक्रीजिंग रहेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, फंक्शन as it is लिखोगे, fx equal to x plus 25 by x का square। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x by क्या, बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f dash x हो जाएगा। ठीक है, fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f dash x होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बट 25 by x square, तो 25 कांस्टेंट है वो कॉमन निकलेगा, और x square का क्या होगा, 1 by x square का क्या होगा, -2 by x का क्यूब, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो 25 2 जा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 2 जा 50 हो जाएगा, 50 बाय x का क्यूब होगा। यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो 1 बाय x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, 1 बाय x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस n x की पावर n प्लस 1 होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाय x की पावर 3 का, इसका क्या होगा, माइनस 3 x की पावर 4 होगा। तो सेम यहाँ पे 25 कॉन्स्टेंट है वो कॉमन निकाल दिया, ये 1 बाय x की पावर 2 है तो माइनस 2 होगा, और अपॉन x की पावर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 टू 50 हो जाएगा, अपॉन में x का क्या हो जाएगा, ओके। अब ये आपका f dash x हो गया, ठीक है, f dash x हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब बताओ fx आपका कौन सा फंक्शन है, fx is डिक्रीजिंग फंक्शन। अब fx डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब आपका f dash x क्या होता है, लेस देन 0, f dash x क्या होता है, लेस देन 0 होता है, f dash x लेस देन 0 यानी 1 माइनस 50 बाय x का क्यूब, ये आपका लेस देन 0 रहेगा, ओके ओके, लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ओके, और सॉरी मेरे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ये 25 बाय x था, x का पावर 2 नहीं था, 25 बाय x था, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा -1 x का स्क्वायर होगा, हां -1 अपॉन में x का स्क्वायर होगा, तो मतलब कितना होगा, ये प्लस माइनस माइनस 25 अपॉन में x का स्क्वायर होगा। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही लेता हूं मैं, मतलब इस तरह से f dash x इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 25 और पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके। अब बताओ आप लोग मुझे, fx डिक्रीजिंग फंक्शन है, fx आपका कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इतना भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी रखोगे तो आप लोग कोई फर्क, fx डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब 1 माइनस 25 बाय x स्क्वायर लेस देन 0 रहेगा, ओके। अब बताओ ये प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, या माइनस वाले को उधर भगाओ, ये माइनस वाले को उधर भगाओ तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन 25 बाय x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर बन जाओ तो x स्क्वायर होगा लेस देन 25 होगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि माइनस उतर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, x स्क्वायर इनटू 1 तो x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर लेस देन कितना होगा, 25, तो x की वैल्यू 2 आएगी, पता है ना, स्क्वायर रूट जब आएगा तो प्लस माइनस 5, मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन प्लस माइनस 5 होगी, x की वैल्यू, दैट इज,
दैट इज लगाना, दैट इज ठीक है, मतलब दो रहेंगे प्लस माइनस फाइव, तो एक्स स्क्वायर लेस देन प्लस माइनस फाइव। तो बड़े वाले को मैंने बोला था किसका सिंबल लगाना, लेस का सिंबल, और छोटे वाले को किसका सिंबल लगाना, ग्रेटर का सिंबल, एक्स स्क्वायर में। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव को किसका सिंबल दोगे, लेस का सिंबल दोगे, एंड माइनस वाले को किसका सिंबल दोगे, ग्रेटर का सिंबल दोगे। मतलब माइनस फाइव को लिख लेता हूँ, माइनस फाइव को ग्रेटर का सिंबल दोगे और प्लस फाइव को किसका सिंबल दोगे, तो लेस का सिंबल दोगे। ये मैंने आपको जब भी बताया था डिक्रीजिंग फंक्शन की बात चल रही है, तो छोटे से कहां तक जाएंगे, बड़े तक जाएंगे। ओके, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। इसका मतलब आपका एफ एक्स कौन सा फंक्शन रहेगा, इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। कब डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, अगर एक्स लेस देन करेगा माइनस फाइव रहेगा, एंड एक्स लेस देन करेगा फाइव रहेगा, एक्स ग्रेटर देन करेगा माइनस फाइव रहेगा, एंड एक्स लेस देन करेगा फाइव रहेगा। दैट इज, इसका मतलब क्या, x greater than minus 5, इसका मतलब minus 5 छोटा होगा x से और x छोटा होगा कितने से, 5 से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार अच्छे से और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास ये फंक्शन दिया है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, तो f का डेरिवेटिव f dash x होगा, x का 1 होगा, 25 कॉमन निकलेगा, इसका पावर 1 है तो माइनस 1 होगा, x का स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये आपका f dash x निकल गया। अब f x आपका कौन सा फंक्शन होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो f x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब डेरिवेटिव करेगा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 1 माइनस 25 बाय x स्क्वायर, ये लेस देन 0 है, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, x स्क्वायर इनटू 1 क्या होगा, x स्क्वायर होगा, स्क्वायर रहेगा तो प्लस माइनस √25 यानी 5 होगा, प्लस माइनस 5 होगा। तो माइनस वाले को क्या रहोगे, छोटे वाले को किसका सिंबल दोगे, ग्रेटर का सिंबल दोगे। मैंने आपको जब भी बताया था कि छोटे वाले को किसका सिंबल, ग्रेटर का सिंबल, और बड़े वाले को किसका सिंबल, लेस का सिंबल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, तो आपको पता है डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, बड़े से क्या किसकी तरफ आएंगे, छोटे की तरफ आएंगे, इसलिए ये छोटा और ये क्या होगा, बड़ा, तो छोटे वाले को ग्रेटर का सिंबल दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब x ग्रेटर देन माइनस 5 रहेगा एंड x लेस देन करेगा 5 रहेगा। अब x बड़ा है माइनस 5 से, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 5 छोटा रहेगा x से और x छोटा रहेगा कितने से, 5 से, तो सिंपल है। चलो इसको लिख लो अच्छे से, प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी ये आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, fx equal to x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x की वैल्यू निकालना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये भी वैसा क्वेश्चन है, बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंबाइन में दे दिया है, कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कैसे दिया है, कंबाइन में दे दिया है, ठीक है। तो देखो अभी कि आपको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, अगर आपके पास फंक्शन और ये फंक्शन f(x) डिक्रीजिंग में रहेगा, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, तो पहले fx जैसा का वैसा लिखोगे, ठीक है, fx, तो x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13, ये जैसा का वैसा आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब बताओ अब क्या करोगे, fx आपको कौन सा फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग पहले तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड कर, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय